नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तरमागे प्रदेश का, और उत्तरमागे प्रदेश में आज हम बात करेंगे मैनपुरी की सियासत की, जिसमें एक तस्वीर पर आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और वो तस्वीर है चाचा शिवपाल, अखिलेश यादव, आदित्य यादव और डिम्पल यादव की। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि चाचा खेल कर देंगे, भाजपा के प्रत्याशी को शिवपाल का करीबी बताया जा रहा था, लेकिन बहू के साथ साथ चाचा शिवपाल की मुलाकात ने सारे कयासों पर विराम लगा दिया। अब पूरा परिवार एक हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चाचा के साथ आने से डिम्पल की राह आसान हो जाएगी? क्या भाजपा के चक्रव्यूह रघुराज शाक की चुनौती को तोड़ने में चाचा अपनी बहू डिम्पल की मदद करेंगे? क्या मुलायम सिंह की विरासत बचेगी? और क्या ये मान लिया जाए कि चाचा के आने से अब डरने की कोई बात नहीं है? उत्तर मांग रहा है प्रदेश। चाचा शिवपाल से डिम्पल अखिलेश की मुलाकात। मैनपुरी चुनाव के लिए बन गई बात। चुनावी मंत्र दिए गए हम लोगों को? क्या कहा गया? हम लोगों को चुनावी मंत्र दिए गए कि किस तरीके से आपको जो है इस चुनाव में रिकॉर्ड टूर्नामेंटों से जिताना है डिम्पल जी को। चाचा के साथ तोड़ेंगे मैनपुरी का चक्रव्यूह। बहू और विरासत के लिए भूल गए पुरानी बात। चाचा के साथ डिम्पल को मिलेगा मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद। भाजपा की चुनौती को कैसे देंगे मार? क्या चाचा साथ भी डरने की है बात? तो चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन कुछ तथ्यों को समझना जरूरी है। आज हुआ क्या? दरअसल तस्वीर अखिलेश यादव ने ट्वीट की। सुबह 10 बजे शिवपाल सैफई पहुंचे, 11 बजे अखिलेश यादव से चाचा शिवपाल ने मुलाकात की, और अखिलेश के बाद डिम्पल यादव से चाचा से मिलने पहुंची थी डिम्पल। शिवपाल के आवास पर करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई, और बातचीत के दौरान शिवपाल यादव के बेटे आदित्य भी थे। तो करीब दोपहर 12 बजे मुलाकात खत्म हो गई। दोपहर 12:24 पर अखिलेश ने मुलाकात की, तस्वीर शेयर की, और इस तस्वीर के सामने आते ही मैनपुरी की लड़ाई में नया मोड़ आ गया। और तस्वीर सामने आने के बाद सवाल उठे कि इस मुलाकात में क्या बात हुई। एबीपी गंगा के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक मतभेदों को दूर किया गया है, परिवार को एकजुट रखने पर चर्चा हुई है, चाचा शिवपाल की भूमिका तय की गई है, साथ ही शिवपाल के बेटे आदित्य की भूमिका पर भी चर्चा हुई है। मुलायम सिंह की विरासत बचाने की रणनीति बनी, और डिम्पल की जीत पक्की करने का प्लान बनाया गया। भाजपा के चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने पर भी चर्चा हुई है, और इसी के साथ साथ चाचा शिवपाल ने डिम्पल को विजय आशीर्वाद दिया है। अब इस मुलाकात के मायने को समझते हैं, और कुछ सवाल हैं, उनका जवाब क्या होगा ये हम सपा प्रवक्ता से समझेंगे, पूछेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या चाचा का साथ डिम्पल की जीत की गारंटी है? चाचा साथ ना होते तो कितना नुकसान हो सकता था? क्या ये सिर्फ एकजुटता का संदेश है, या फिर परिवार वाकई अब एकजुट होकर मजबूत हो गया है? क्या शिवपाल के साथ आने से डिम्पल को डरने की जरूरत अब नहीं है? इस मुलाकात में जीत का सूत्र छिपा है क्या? और आखिरी सवाल ये कि क्या मुलाकात से अब भाजपा की चुनौती मैनपुरी में बढ़ गई है? तो ये तमाम सवाल हैं, और सीधे अब मेहमानों का हम रुख करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक वर्मा जी हैं प्रवक्ता भाजपा, नेहा यादव जी हैं प्रवक्ता सपा, और नितिन उपाध्याय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो जाएंगे सबसे पहले आलोक वर्मा जी, आपके पास ही आ रहे हैं। अब देखिए, चाचा शिवपाल ने आशीर्वाद दे दिया है, उनको लेकर आप लोग बहुत उत्साहित चल रहे थे, चुनौती बढ़ गई है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी कहीं चुनाव होता है तो उत्साहित रहती है। हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इससे पहले आजमगढ़ के गढ़ में चुनाव हुआ, दोनों चुनाव हम जीते। अभी विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें भी हम जीते। इसलिए हम लगातार जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन पर उतर करके काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के लोग, आज हिंदुस्तान के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। सबको साथ लेकर के चलने का जो हमारा संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से जिस जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी पहुँची है, वो लोगों के
साथ आज जुड़ने की वजह से पहुंची है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में भी शानदार जीत हासिल करने जा रही है। आपको याद होगा कि 2019 में चुनाव था, 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था, हमारा प्रत्याशी भी वहां पर खड़ा था मैनपुरी में, और मुलायम सिंह जी भी वहां से प्रत्याशी थे। सिर्फ 92,000 वोटों से हम वहां पर हारे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बुलंद जीत वहां पर हासिल करने जा रही है। लेकिन शायद इसीलिए घबराए हुए लोग यादव साथ तब नहीं थे, परिवार में फूट थी, लेकिन इस बार एकता दिख रही है, और एकता कितनी महत्व रखती है तो राजनीतिक लोग समझते हैं, आप भी समझते हैं। ये तो आपको बाद में पता चलेगा कि एकता जो हो रही है, जो दिख रही है, वो कितनी गहरी है। ये तो कई बार इस तरीके की चीजें हुई हैं। शिवपाल यादव जी को 2022 के इलेक्शन से पहले अखिलेश यादव जी इसी तरीके का कुछ दिखा रहे थे, इसी तरीके से शिवपाल यादव जी साथ आके खड़े हुए थे, लेकिन नतीजा क्या निकला? बुलंद हार समाजवादी पार्टी को मिली और शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो मुझे लगता कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैनपुरी की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि चुनाव किनके और किनके बीच में है। भारतीय जनता पार्टी का एक आम लोगों से मिलने वाला प्रत्याशी खड़ा है और एक राजघराने का प्रतिनिधि वहां पे खड़ा है। तो मुझे लगता है मैनपुरी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होने जा रही है, और एक बार फिर जब नतीजा आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बुलंद जीत हासिल करेगा, शानदार जीत हासिल करेगा। ठीक है आलोक वर्मा जी, ये भी बताइए कि मैनपुरी में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वहाँ पर मजबूत बनाती हैं, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव कर्मभूमि रही, मैनपुरी यादव परिवार के प्रति कितना समर्पित रहा है। आपका क्या कैलकुलेशन है, किल कैलकुलेशंस पर सपा पिछड़ जाएगी और आप आगे निकल जाएंगे? देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का हमारा काम है, मोदी जी का जिस तरीके से देश भर में काम है, जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, जिस तरीके से हमने अपराध को कहीं पीछे ढकेला है, जिस तरीके से हम विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बहा रहे हैं, जिस तरीके से विकास के पायदान को हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर मोर्चे पर शानदार काम कर रही है, तो मुझे लगता है मैनपुरी की जनता भी इसे देख रही है। इससे पहले जो चुनाव हुआ था, जैसा मैंने आपसे कहा कि आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, उधर रामपुर में भी जब चुनाव हुआ तब कहा जाता था ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन हमने दोनों गढ़ ढहाए। इसलिए हमने उसे नेस्तनाबूद किया क्योंकि वहाँ के लोग हमारे साथ खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का काम किस तरीके का है, किस तरीके से आम लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, ये आम लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। योगी जी का शासनकाल देखा है, अगर 2022 में दूसरी बार 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को बुलंद जीत हासिल हुई तो इसलिए हासिल हुई क्योंकि पहले का शासन भी लोगों ने देखा था। 2017 से पहले किस तरीके से सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में शासन करती थी, किस तरीके से जात जमात की सियासत चलती थी, जात जमात का शासन चलता था, बाकी लोग जो बाकी उत्तर प्रदेश की जनता थी अपने आप को दरकिनार समझती थी। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग बदल गए हैं, 21वीं सदी का ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस पार्टी के साथ उस इलाके का भला होने वाला है, पूरे उत्तर प्रदेश की तरक्की होने वाली है। बिल्कुल, तो चलिए ये दावा है और कुछ जो तथ्य हैं वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि आज की तस्वीर जो बनी वो क्यों बनी, सुर्खियों में कैसे आ गई। सुबह 10 बजे शिवपाल यादव सैफई पहुंचे और सुबह 11 बजे अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के पास पहुंच गए, और अखिलेश के बाद डिंपल यादव भी चाचा से मिलने के लिए पहुंची। ये मुलाकात हुई शिवपाल के आवास पर, करीब एक घंटे तक बातचीत होती रही और बातचीत के दौरान शिवपाल यादव के बेटे आदित्य भी थे, यानी कि पूरा परिवार एक हुआ। आदित्य ने हालांकि एक दो दिन पहले ही कह दिया था कि अखिलेश भैया ही सारा परिवार संभाल कर आगे चलेंगे। करीब दोपहर 12 बजे मुलाकात खत्म हुई। दोपहर 12:24 पर अखिलेश यादव ने तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर के सामने आने के बाद ही सियासी खलबली मची और सवाल उठने लगे, और इस तस्वीर के सामने आते ही मैनपुरी में लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया। और नया मोड़ इसलिए आ गया क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि परिवार एक नहीं है, शिवपाल यादव कहीं सेंध ना लगा दें अपने घर में ही, लेकिन अब उसकी गुंजाइश खत्म हो गई है। तस्वीर सामने आने के बाद सवाल उठे कि इस मुलाकात में आखिर बात क्या हुई, तो ओबीपी गंगा के पास जो जानकारी वो हम आपको बताते हैं। मतभेदों को दूर किया गया है, चाचा भतीजे के बीच जो कड़वाहट आई 2017 से लेकर आज के दौर में, परिवार को एकजुट रखने पर चर्चा हुई है, और ये भी चर्चा हुई है कि चाचा शिवपाल की भूमिका क्या होगी, क्योंकि शिवपाल लगातार भूमिका की मांग भी करते रहे और बात भी करते रहे और वो कहते रहे हैं कि मेरी भूमिका क्या होगी ये स्पष्ट होगा तो फिर मैं बताऊंगा।
शिवपाल के बेटे आदित्य की भूमिका पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि वो भी शिवपाल यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आदित्य को कैसे सियासत में सेट किया जाए। मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाने की रणनीति बनी और डिंपल की जीत पक्की करने का प्लान भी बनाया गया है। भाजपा के चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने पर चर्चा हुई है और इसी के साथ चाचा शिवपाल ने डिंपल को विजय आशीर्वाद दिया है। तो इस मुलाकात के मायने को अब समझते हैं। कुछ सवाल है जिसका जवाब भी लेना जरूरी है, और सवाल अब ये उठ रहा है कि इस मुलाकात के बाद क्या डिंपल की जीत की गारंटी हो गई है? चाचा साथ ना होते तो कितना नुकसान हो सकता था? क्या ये सिर्फ एकजुटता का संदेश है या फिर परिवार एकजुट और मजबूत है? और सवाल ये भी है कि क्या शिवपाल के आने से डिंपल को अब डरने की जरूरत नहीं है? इस मुलाकात में ही जीत के सूत्र क्या छिपे हुए हैं? क्या इसी मुलाकात की जरूरत थी यादव परिवार को? और क्या मुलाकात से भाजपा की चुनौतियां बढ़ गई हैं? ये एक सवाल है जो अहम बन जाता है, और पूरी जो राजनीतिक जंग है वो आगे इन्हीं सवालों के बिना पर बढ़ेगी, क्योंकि जो रघुराज चाके हैं उन्होंने कह दिया है कि मुलायम सिंह यादव का मैं शिष्य हूँ, डिंपल यादव बहू हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो शिष्य का हक होता है वो बहू बेटों से कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद भी उन्हें मिलेगा और उनकी जो अनुयायी जनता है उनका आशीर्वाद भी उन्हें ही मिलेगा। हम एक बार फिर से रुख करते हैं, आलोक वर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता है भाजपा के। आलोक जी बताइए कि रघुराज चाके कह रहे हैं कि शिष्य का हक बहुत ज्यादा होता है, शिष्य को ही आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन शिष्य समझाएगा कैसे? क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि अगर शिवपाल नाराज हैं तो कुछ वोटों की सेंध आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन शिवपाल उधर से जोर लगाएंगे तो दोगुनी ताकत से आपके ऊपर आएंगे वो। देखिए, सेंध लगाने पे हमारा भरोसा नहीं है, लोगों के बीच काम करने में, लोगों के साथ जुड़ने में, लोगों को ये समझा पाने में लोग बहुत अच्छा लगाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार उसका जीवन उदाहरण है, भारतीय तो शानदार लगाते हैं। अब जरा पहले पूरी अपनी बात मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट कर लूँ पहले मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट कर लूँ उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने में ही उत्तर प्रदेश की भलाई है, चाहे 2014 का इलेक्शन हो, चाहे 2017 का इलेक्शन हो, चाहे 19 का हो, चाहे बिहार में 2022 का इलेक्शन हो, चुनाव हो। आप देख चुके हैं कि कुछ भी समीकरण लोगों ने बनाए, सारे समीकरण बिगड़े हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ संबंध बनाए थे, साथ जोड़ा था उनको, साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे लेकिन हारे थे। 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ गठबंधन बना था, आप कह रहे थे, मीडिया के साथी ही कह रहे थे कि ऐतिहासिक गठबंधन है, लेकिन नतीजा क्या निकला? 10 सीटें एक को मिली, 5 सीटें दूसरे को मिली। 2022 में अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करने से हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ, अब छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे। कुछ दलों को उन्होंने तोड़ा, कुछ लोगों को उन्होंने साथ जोड़ा, चाचा को भी उन्होंने साथ जोड़ा, लेकिन नतीजा क्या निकला? भारतीय जनता पार्टी दोबारा 37 साल बाद सत्ता में दोबारा आई, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बदल चुका है। उत्तर प्रदेश बदल चुका है, लेकिन मैनपुरी बदला है क्या, ये समझना जरूरी है। किसको आगे बढ़ाना है? जुड़ गई प्रवक्ता सपा, मैनपुरी में एक कैंप कर रही है, डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में लगी हुई है। आज ये बताइए कि चाचा की जो तस्वीर आज अखिलेश जी ने ट्वीट की, इस तस्वीर के सामने आने के बाद सवालों का जो दायरा है वो बड़ा हो गया है, सवाल बदल चुके हैं, क्योंकि अभी तक लग रहा था कि अगर घर से कोई एक बड़ा नाराज है तो दिक्कत हो सकती है। शिवपाल जी के आने के बाद साथ किस तरीके की स्थिति बन रही मैनपुरी में? देखिए, ऐसे देखिए, अब देखिए, परिवार पहले से एक था, एक है और एक रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया और इस प्रोपेगेंडा को हवा देने का काम मीडिया ने किया है, ये पूरे देश के, उत्तर प्रदेश के और मैनपुरी की जनता देख रही है। परिवार शुरू से ही साथ था है और पूरे चुनाव ही नहीं, आगे भी हमेशा परिवार साथ रहेगा। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि परिवार किसका कहाँ है, क्या कर रहा है, सवाल ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बीजेपी की सरकार आने के बाद में क्या हो गई है। उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, और यहाँ मैं तो मैनपुरी में हूँ, मैनपुरी की स्थिति ये है कि यहाँ पे जब सपा की सरकार थी तो पूरा जगमग मैनपुरी हुआ करता था, अब यहाँ की जो स्ट्रीट लाइटें थी वो एकदम बुझ गई है और उन लाइटों को सही कराने के नाम पे यहाँ के मंत्री जी और विधायक जी लाइटें चोरी करके ले गए, तो स्थिति लोकल स्तर पे तो इनकी है। और समाजवादी पार्टी को सच्ची श्रद्धांजलि मैनपुरी की जनता आदरणीय नेताजी को देने जा रही है और आदरणीय डिंपल यादव जी को और समझनी है मुझे, जो शाक्य साहब है भाजपा के उम्मीदवार है, वो नामांकन से पहले नेताजी की समाधि स्थल पर गए, उन्होंने आशीर्वाद लिया, उन्होंने ये कहा कि बहू और बेटे तो अपनी जगह है लेकिन शिष्य का अधिकार ज्यादा होता है अपने गुरु पर, और मैं मुलायम सिंह यादव का शिष्य हूँ।
जनता क्या कह रही है, शिष्य के साथ है या फिर बहू के साथ? देखिए बीजेपी के पास अपने कोई कैडर का कोई प्रत्याशी मिला ही नहीं, इन्हें कहीं भी कोई अपना प्रत्याशी मिलता ही नहीं है। आदरणीय नेताजी के बनाए हुए लोगों को ये लोग मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन जो मैनपुरी की जनता है वो आदरणीय नेताजी की विरासत को ही मौका देगी और आदरणीय नेताजी की विरासत मैनपुरी से चुनकर के सदन पहुंचेंगी। जनता बहू के साथ है, जनता आदरणीय नेताजी के परिवार के साथ है, जनता सदे नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देगी और आदरणीय डिंपल यादव जी को भारी मतों से जिता करके यहाँ भेजेगी। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अगर सच में उनके मन में श्रद्धांजलि है तो सच में ही अगर वो नेताजी के आदर्शों पे चलने वाले हैं तो सबसे बड़ी बात तो नेताजी के विचार है। नेताजी का विचार समाजवादी विचार था, तो नेताजी के विचारों पे लड़ने वाला और आगे बढ़ाने वाले जो लोग होते हैं वो आदरणीय नेताजी के परिवार का सपोर्ट, बिल्कुल परिवार का सपोर्ट उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन ये बताइए कि जो आज की मुलाकात हुई है, इन तस्वीरों के कयास बहुत समय से लग रहे थे लेकिन फाइनली आज ये तस्वीर आ गई, क्या संदेश कार्यकर्ताओं के बीच दिया गया है शिवपाल यादव की तरफ से, क्या कुछ माहौल बदला है मैनपुरी का इस तस्वीर के सामने आने के बाद? देखिए यही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जैसे फिल्मी डायलॉग है कि अपने तो अपने होते हैं, लेकिन देखिए दो चीजें हैं, पारिवारिक एकजुटता और कहा जाए सियासी मैसेज। ये अखिलेश यादव लंबे समय से कहते रहे कि परिवार का बिखराव नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई है, इस साल 2016 से ये चीज़ें चलती रहीं, लेकिन आज जो मैसेज गया है उसका पूरे कहा जाए उत्तर प्रदेश में एक ज़बरदस्त मैसेज है। और तमाम कार्यकर्ताओं से हमने बात की, उनका कहना है कि हमारी ताकत दोगुनी हो गई है, यानी अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं ये मजबूर होना पड़ा कि शिवपाल सिंह यादव वो हकीम हैं जो जनता की नब्ज को समझते हैं, तो और खासकर मैनपुरी के इलाके में वो ऐसे कहा जाए लीडर हैं जो वन टू वन जिनका कनेक्ट है, यानी जिनका मुलायम सिंह यादव का जो छोटा स्वरूप उन्हें कहा जा सकता है, तो बिल्कुल गलत नहीं है। जितने भी इलेक्शन हुए हैं मैनपुरी के, जब भी इलेक्शन हुआ और पूरी जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव उसको उठाते थे, पूरा वॉर मैनेजमेंट, जो पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट होता था, लोगों से किस तरीके से संवाद कायम करना है, कहाँ मेहनत करनी है, किस बूथ पर क्या मैनेजमेंट करना है। ये यही जोड़ी जो थी मुलायम सिंह यादव जी की और शिवपाल की, इसी जोड़ी ने कमाल किया मैनपुरी में भी और पूरे प्रदेश में। लेकिन आज की जो बातचीत हुई है, वो जो समझौते हुए हैं, ये लॉन्ग टर्म है या फिर केवल इस चुनाव के लिए है? देखिए बिल्कुल, देखिए ये सियासी मजबूरी है या वाकई में दिल मिल गए हैं, ये सारी चीज़ें मैनपुरी उपचुनाव के बाद देखने को मिलेगी। देखिए जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, इस बार शिवपाल सिंह यादव ने कोई गलती नहीं की है, जिस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव 100 सीटें मांग रहे थे, एक सीट पर समझौता करना पड़ा, वो भी समाजवादी पार्टी के सिंबल से, लेकिन इस बार प्रॉपर बार्गेनिंग की है शिवपाल सिंह यादव ने, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सतह पर आ जाएंगी कि क्या बार्गेन किया है। और इस बार जिस तरीके से उन्होंने बहु डिंपल को आशीर्वाद देने की बात कही है, पूरे मजबूती से पूरे प्रसपा के संगठन को लड़ने की बात कही है, लेकिन बदले में अपने लिए सम्मान और राजनीतिक हिस्सेदारी की बात भी कही है, और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में झुकते हुए नजर आए हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब 94,000 वोट से मुलायम सिंह यादव 2019 में जीते थे तो करीब 70 से 75,000 की लीड तो जसवंत नगर से मिली थी, और ऐसे में ये पता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने टॉप कमांडर्स उतार दिए हैं, बड़े लीडरान की पूरी फौज उतार दी है, और बीजेपी के लड़ने का जो आक्रामक तरीका होता है उससे हर कोई वाकिफ भी है। तो ऐसे में नेहा ये बताइए कि मुलाकात हुई है, बात हुई है और तमाम जो अंदर की बातें वो बाहर निकल कर आ भी रही हैं, हम एक बार मान भी लें कि कोई विवाद नहीं था, सपा ये नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी औपचारिक तौर से जब ये तस्वीरें सामने आई तो सपा नेता के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर आपका भी और आपके साथियों का भी तो मनोबल बढ़ा होगा, क्योंकि दूसरी ताकत होगी, क्योंकि शिवपाल अलग रहते थे जब तक, आरोपों का सामना तो करना ही पड़ता था, तो ताकत बढ़ी हुई महसूस हो रही है। देखिए समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारों पे चलने वाली पार्टी है, हम लोग आदरणीय नेताजी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, हमें सबसे बड़ी मजबूती की बात केवल और केवल मैनपुरी नहीं उत्तर प्रदेश में ये है कि पूरी जनता आदरणीय नेताजी के साथ है, आदरणीय नेताजी के विचारों के साथ है, और कौन सा ऐसा परिवार नहीं होता है जिसमें थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव नहीं आते, सबके परिवारों में आते हैं, लेकिन इस तरह से जिस तरह से बीजेपी इसका प्रोपेगेंडा बनाती है और मीडिया इसको हवा देती है, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि इनके पास चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं है, इनको कोई मुद्दा ही नहीं मिला तो उठा करके लेके परिवार का मुद्दा चले आते हैं,
अगर भाई मुद्दा किसी भी चुनाव का मुद्दा होता है, वहाँ की मूलभूत समस्याएं, मैनपुरी की समस्या क्या है, उत्तर प्रदेश की समस्या क्या है, इनको लेकर के मुद्दा आ रही है ना आप मैदान में, इन मुद्दों पे ये बात नहीं करेंगे। इन मुद्दों पे ये इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने पूरे 5 साल जब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी, दूसरी इनके केंद्र में सरकार है, इन्होंने कोई विकास कार्य किए ही नहीं है, विकास के मॉडल पे तो इन लोग खड़े रहे, तो इसीलिए इन लोग इस तरह की बातें, इस तरह के पारिवारिक मुद्दा चुनाव जनता। देखिए सवाल तो जायज है, आप हर जगह उपलब्धियां गिनाते हैं तो मैनपुरी में भी गिनाइए कि आपने क्या क्या किया है, परिवार पकड़ कर क्यों बैठे हुए? भैया हम कहां परिवार पकड़ के बैठे हुए हैं, घबराहट तो उनके भीतर है, डर तो उनके भीतर है। नेता यही दावा कर रहे थे कि शिवपाल यादव नहीं जाएंगे कैंपेन में संसदीय। अब आप सुन लीजिए, अरे अब आप सुन तो लीजिए, अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं समाजवादी पार्टी के साथी की बात भी सुन चुका, अरे आप सुन लीजिए, जरा ठहर जाइए, अरे आप सुन तो लीजिए, आपके अंदर जो घबराहट है वो तो साफ साफ दिख रही है। आजमगढ़ का चुनाव हुआ, रामपुर का चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी अपने एसी कमरे से नहीं निकले, अभी गोलाक विधानसभा का उपचुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी अपने कमरे से नहीं निकले, अब मैनपुरी का चुनाव हो रहा है, अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से बिलबिलाए हुए हैं, पूरी तरीके से डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं साहब? क्योंकि आपको पता चल गया है कि मैनपुरी में अगर आप हार गए, जो आप हारने वाले हैं, तो बड़ी बदनामी होगी। 2022 के बाद जब चुनाव खत्म हुआ, शिवपाल यादव जी बहुत सारी बातें कहते रहे, मिन्नते करते रहे, एक बार भी अखिलेश यादव जी शिवपाल जी के यहाँ दरवाजे पर नहीं गए। आज जो है, आज जब अपने ऊपर आई है, अपने ऊपर पड़ी है, तो सारे समीकरण बैठा रहे हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मैनपुरी में चुनाव का प्रचार करने जाएंगे, शिवपाल यादव जी के दरवाजे पर जाएंगे, और अभी सबसे बड़ी घबराहट देखिए, सबसे बड़ी घबराहट देखिए कि अभी इलेक्शन के जस्ट पहले समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्ष वहां बदल दिया, जिला अध्यक्ष लेकर के आए, तो उनकी जो उनका जो समीकरण है, जात जमात का जो आप सियासत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अब वो चलने वाला नहीं है। मुझे लगता है काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है, काठ की हांडी चढ़ चुकी, कई बार चढ़ चुकी, 2014, 2017, 2019, 2022 और ठीक है आलोक जी जवाब ले लेते हैं, चढ़ चुकी जनता ने आप जवाब ले लेते हैं। नया दिन का साफ तौर से कहना है कि मैनपुरी में जब मुसीबत आई तब आप लोगों ने शिवपाल यादव को सम्मान दिया। ठीक आलोक जी जवाब ले लेते हैं, सुन लीजिए ना नया जी। देखिए ये जो चुनाव है ये आदरणीय नेता जी के विचारों का चुनाव है, ये श्रद्धेय नेता जी की विरासत यहाँ से चुनाव लड़ रही है, मैनपुरी की जनता विरासत के साथ है, मैनपुरी की बहू के साथ है। जो ये लोग ये जो फालतू के ये लोग बात कर रहे हैं बैठ करके, ये बात इन पे सूट करती है कि ये जो काट के अंडे बार बार नहीं चढ़ती, नहीं इनके साथ सूट करती है। ये लोग 14 में जीत गया कुछ नहीं किया, 19 में जीत गया कुछ नहीं किया, 14, 17, 19, 22 हार के उपचुनाव सब हारे हैं आप, जाएगी नहीं लेकिन सब हारे हैं आप। अरे जरा इतिहास उठा के देख लीजिए, 2014 से लगातार हार आपको मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि आपका जो समीकरण है अब उत्तर प्रदेश के लोगों को रास नहीं आता, आपका इतिहास वो देख चुके हैं, देख चुके हैं, अब आप मैनपुरी भी जल्दी ही हारने वाले हैं, क्योंकि वहां की जनता भी जानती है कि आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है दावे हैं आप दोनों के पास आएंगे, तस्वीर बदली है तो क्या लड़ाई भी बदल गई है? छोटा छोटा कमेंट लेंगे क्योंकि वक्त कम है। आलोक वर्मा जी ये बताइए लड़ाई कठिन हुई है कि नहीं हुई, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए कोई भी लड़ाई हो निश्चित रूप से कठिन होती है और हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं, जो आपको याद होगा जब आजमगढ़ का चुनाव हुआ था तो आजमगढ़ जब बुरी तरीके से हारे, अखिलेश यादव जी जब पत्रकारों ने इनसे सवाल किया कि आजमगढ़ कैसे हार गए, तो उन्होंने कहा कि हमको बताया गया था कि हम आजमगढ़ जीत रहे हैं, एसी कमरों से बाहर अखिलेश यादव जी नहीं निकले। आज जब अपने ऊपर पड़ी है तो निकल करके बाहर आ रहे हैं, आज पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जी भाई चुनाव लड़ रहे थे, तो अंतर तो उनके उनकी नज़र में साफ है। उत्तर प्रदेश भी अच्छी तरीके से जानता है जात जमात की किस तरीके से सियासत करते हैं, परिवारवाद की किस तरीके से समझ लेते हैं। नितिन ये बताइए कि जो परिभाषा आलोक वर्मा जी बता रहे हैं वही परिभाषा है या फिर राजनीति में जो संवेदना होती है, सहानुभूति है, उसकी भी लहर है, पारिवारिक जो विरासत चली आ रही 3 दशकों की उसकी भी लहर है, ये तमाम चीजें हैं या आलोक जी की बात मान ली जाए? देखिए बिल्कुल, देखिए मैनपुरी का जो चुनाव है इस बार समाजवादी पार्टी उसको
कहा जाए संवेदना, सहानुभूति और विकास के कहा जाए जेल के जरिए वो उसको पूरी तरह से जीतना चाहती है। मैनपुरी पर समाजवादी पार्टी जब सत्ता में जब भी रही है या जब भी मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद रहे हैं, डेवलपमेंट अच्छा हुआ है तो इसके नाम पर वोट है। दूसरा, सामाजिक समीकरण पूरी तरह से बैठता है, लेकिन ये माना बिल्कुल तय है कि जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ लूज किए हैं समाजवादी पार्टी ने, जो मजबूत दुर्ग थे, उसके बाद ये अगर मैनपुरी में अगर चीज़ें एडवर्स हुई तो कहीं ना कहीं पूरे देश की राजनीति में एक नेगेटिव असर समाजवादी पार्टी के लिए जाएगा। और यही वजह है कि इस बार अखिलेश यादव जो कहा जाए जिन्होंने जो सोच लिया, जो फैसला ले लिया, वो पीछे नहीं हटे, चाहे उसका कितना भी नुकसान झेलना पड़ा। इस बार अखिलेश यादव को मजबूर होना पड़ा है, शिवपाल सिंह यादव को साथ लिया है। शिवपाल सिंह यादव कहा जाए धरातल के नेता हैं, ज़मीन के नेता हैं, संघर्षों से मुलायम सिंह की कहा जाए दौर की राजनीति करते आए हैं, तो वो कहा जाए कंफर्ट जोन की पॉलिटिक्स नहीं की। बिल्कुल कंफर्ट जोन की पॉलिटिक्स नहीं की है और मैनपुरी की राजनीति को, हालांकि कंफर्ट से सपा ना जीते इसकी पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी। अब देखने वाली बात होगी कि दिलचस्प जंग में कौन जीत हासिल करता है। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका, नितिन आपका भी शुक्रिया, नेहा आपका भी शुक्रिया। तो ये पूरी तस्वीर है और अब कौन जीतेगा इसका उत्तर 8 तारीख को मिल जाएगा। उत्तर मध्य प्रदेश चला जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।